साउंड एक सेवन एक्शन। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और काफ़ी दिनों से आप लोग भी देख रहे होंगे कि मेरा कोई वीडियोस वगैरह आ नहीं रहा है। काफ़ी शॉर्ट्स वगैरह बना रहा हूँ हिंदी से जी दोनों लैंग्वेज में। बहुत तेज हो रहे हैं, बहुत तेज। बाकी मेरा जो वीडियो है ब्लॉग्स वो आ नहीं रहा होगा। तो उसका रीजन ये है यार कि अभी मैं नाइट ड्यूटी कर रहा हूँ, इस वजह से मेरे को टाइम नहीं मिल पाता। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो मैं वीडियोस वगैरह बना नहीं पा रहा हूँ। बाकी मैं अभी तक तो मैं यार एक चीज़ में कंफ्यूज हूँ कि मैं ये जो वीडियोस बना रहा हूँ उसको मैं CG में बनाऊँ या फिर हिंदी में बनाऊँ। तो यार सबसे पहले मेरा तो ये मेरा सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। तो इस चीज़ को दूर करो यार, आप लोग बताओ CG में सही रहेगा या फिर हिंदी में सही रहेगा। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, मेरे को प्लीज़ ज़रूर बताना। शॉर्ट्स तो मैं CG में भी और हिंदी में भी दोनों में थोड़े थोड़े टाइम निकाल के, जैसे अभी यहाँ पे ये मेरा सीट है, अभी काम नहीं है यहाँ मेरे को, तो मैं बना लेता हूँ। लेकिन क्या है, लंबे वीडियोस के लिए मेरे को दिन में जगना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और मैं रात को इतना जग रहा हूँ तो दिन में जग नहीं पाता, इस वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है शशि। ये बढ़िया था गुरु। बाकी ये भी है यार कि अगर जीना है तो कमाना तो पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए यार अभी ड्यूटी वगैरह, और हो सकता है कि आज ये मेरा लास्ट नाइट हो ड्यूटी का, ठीक है, जिंदगी का रही। तो ये ड्यूटी का मेरा लास्ट नाइट हो सकता है, इसलिए मैं सोचा कि नाइट शिफ्ट के एक वीडियोस बना लूं। तो यही सब है यार, अपन काम वगैरह करते रहते हैं और कुछ फ्री टाइम रहता है तो इधर उधर घूमते रहते हैं। बाकी ऑफिस तो आप लोगों ने देख ही लिया है, बाकी देख सकते हैं ये है ऑफिस, अपना ऑफिस। वहाँ एक भैया है और हमारे गार्ड साहब, बस 3 लोग रहते हैं नाइट में। और यही है सब, नाइट जगना पड़ता है, चाहे कुछ भी करो, काम करना है तो जगना पड़ेगा ही नहीं। और इसके बाद जाने के बाद घर जाके थोड़ा सा खाना पीना खाने के बाद अपन सो जाएंगे। यही चीज है नाइट में, नाइट ड्यूटी करने में फिर पूरा दिन वेस्ट है यार। सपने देख रहा था मैं, कुछ नहीं है, सिर्फ नाइट में जो भी काम होता है वही है, फिर अपना पर्सनल काम कुछ नहीं कर पाते हैं, एक शॉर्ट भी बना नहीं पाता उस चीज़ में। तो इसीलिए वीडियोस वगैरह मैं बना नहीं पा रहा हूँ। तो हो सकता है आप कंटिन्यू वीडियो रहे और 1K अपन का हो जाएगा, तब तो मैं कंटिन्यू रखूँगा भी। बस आप लोग सपोर्ट करो कि जल्दी मेरे 1K हो जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, कम से कम देख रहे हो वो लोग, आप सपोर्ट कीजिए। बाकी चलिए चलते हैं, देखते हैं, आप ब्लॉग पे रहना कंटिन्यू, कि मैं आगे का रूटीन भी आपको बताऊंगा। नाइट ड्यूटी बाद घर जाने के बाद मैं घर जाने के बाद क्या करूंगा क्या नहीं, जैसा भी है। अरे देखते रहना यार, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते रहेंगे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस में। तब तक के लिए तो फाइनल दोस्तों, अपलोडिंग वगैरह हो गया कंप्लीट अपना, और अभी मॉर्निंग के 4 बज चुके हैं। 11 बजे से आया था मैं, कंटिन्यू काम कर रहा हूँ, 4 बज गए हैं, जैसा कि देख सकते हैं आप 4 बज गए हैं। देन अब थोड़ा सा 3 घंटे अपने को और रहना है, 3 घंटे अभी कैसे करके इस वक्त को गुजारना है, जब इतना दिन समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, दिन गुजर गया, 20 दिन तो मेरा लास्ट डे हो सकता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा मेरे को लग रहा है। तो अच्छा चलते हैं, चाय वगैरह पीते हैं और उसके बाद बताता हूँ आपको बिलासपुर के बाहर का व्यू। ये बाहर का व्यू के लिए भी एक वीडियो बन सकते हैं कि बिलासपुर जलवा है हमारा, बिलासपुर में सुबह का माहौल कैसा रहता है। देन वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, चलिए चलते हैं चाय पीने। तो दोस्तों चाय के लिए अपन पानी वानी गर्म तो कर ही लिए हैं, बाकी चाय का प्लानिंग कैंसिल हो गया, लेमन टी पीऊँगा, लेमन टी बनाते हैं, पीते हैं फिर लेमन टी। क्या है यार, काफ़ी टाइम से जग रहा हूँ तो थोड़ा हल्की हल्की नींद भी लग रही है, तो जरूरी है ना कि अपन थोड़ा नींद भगाएं, क्योंकि ड्यूटी करना भी है, ऐसे अचानक छोड़ भी नहीं सकते, अगर छोड़ दो तो सो भी जाऊँगा, सो जाऊँगा तो सुबह बैंड बाजा के साथ बारात भी निकल जाएगी। और बारात रिजाइनिंग वाला नहीं होगा, निकालने वाला होगा, निकाल दीजिए कंपनी। चलिए पीते हैं चाय, चाय हो गया रेडी, मिलते हैं आपसे ड्यूटी के बाद। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, तो गाइस फाइनली काम करते करते अभी 6:48 हो गए हैं। ये नाइट बहुत ही तकलीफों के साथ गुजरा, तकलीफ नहीं बोलना चाहिए, बहुत लंबा नाइट लगा मेरे को, बहुत लंबा नाइट, शायद ये लास्ट नाइट हो सकता है मेरा,
इस वजह से चलते हैं बाहर। अब देखते हैं बाहर बाहर का व्यू कैसा लगता है। वीडियो पे लास्ट तक बने रहना, ठीक है। चलते हैं अपने पार्किंग से अब, और नीचे से लेते हैं बाइक, फिर निकलते हैं। बाइक फाइनली देख चुके सीन आते वक्त काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा व्यू था। तो आई होप कि आप लोग कमेंट करना मेरे को कि सीजीएम बनानी चाहिए कि हिंदी में वीडियोस को। और वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।